तो हाय फ्रेंड्स, आपके बिहार में एक और सरकारी नौकरी निकल कर आ चुकी है और आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश से हों या झारखंड से हों, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बिहार की सरकारी नौकरी है और इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली जा रही है, कैसे आप लोग आवेदन करोगे और आवेदन की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म फी क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप देख पा रहे हो, कुछ इस तरह से विज्ञापन जारी किया गया है और मैं विज्ञापन पर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात कर लेता हूँ। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 5/3/2021 से है और इसकी जो क्या है कि लास्ट डेट है 1/4/2021 यहाँ पर रखी गई है। फ्रेंड्स, वैकेंसी बहुत ही बेटर है, आप लोग इसके लिए आवेदन जरूर कीजिएगा यदि इसके क्वालिफिकेशन योग्य है। एंड आप देख पा रहे हो यहाँ पर इसका क्या है कि ऑनलाइन अप्लाई करने का डिटेल दिया गया है, ठीक है, जो कि मैं ऑनलाइन आवेदन जैसे स्टार्ट होगा वीडियो के माध्यम से आपको फिर से सूचित करेंगे। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आवेदन कर सकते हैं, बट आरक्षण केवल बिहार के लोगों को दिया जाएगा। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो प्रारंभिक परीक्षा है, सम्मान ज्ञान एक पत्र होगा जो कि 150 अंकों का होगा और वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद यदि आप प्रारंभिक परीक्षा को पास करते हो तो आपकी मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें कि अनिवार्य विषय समान हिंदी, समान अध्ययन पत्र 1, समान अध्ययन पत्र 2 होंगे, जो कि टोटल यहां पर 100 अंकों का समान हिंदी होगा, 300 अंकों का यहाँ पर समान अध्ययन पत्र 1 और 300 अंकों का पत्र यहाँ पर 2 लिया जाएगा, जो कि 3-3 घंटों का टोटल यहाँ पर होगा। उसके बाद फिर वैकल्पिक विषय एक रखा गया, यानी कि इन विषयों में से एक विषय आप चूज कर सकते हैं और इसका भी यहाँ पर 300 अंकों को 3 घंटे में विषयनिष्ठ आप लोगों की परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर आप मेन्स एग्जाम पास करते हो तो आपका इंटरव्यू होगा जो कि 120 अंकों का होगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है टोटल, ठीक है, ये आपको तीनों स्टेप क्रॉस करने होंगे तब जाके आपका चयन किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर टोटल पोस्ट की, टोटल पोस्ट कितने रखे गए हैं। तो टोटल यहाँ पर 55 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली जा रही है, ठीक है। कैटेगरी वाइज कुछ इस तरह से वैकेंसी ये डिवाइड की गई है, आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख लीजिएगा। और ये किसके लिए पोस्ट निकाली जा रही है, तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए रिक्वायरमेंट निकाली जा रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये अधिकारी की वैकेंसी है। पदाधिकारी की सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। विज्ञापन संख्या 03/2021 है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करते हैं तो आप देख पा रहे हो यहाँ स्नातक पास, आप यहाँ पर देख पा रहे हो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री है, आप कहीं से भी ग्रेजुएशन किए हैं इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर यह नहीं मेंशन किया गया कि किस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन है, तो आप समझ लीजिए कहीं से भी कोई भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन है आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी आप देख पा रहे हो मैंने 53,100 रुपये से यहाँ पर स्टार्टिंग की गई है, सैलरी लेवल 9 की आपको दी जाएगी। आयु सीमा की बात करते हैं, 1/8/2021 को मिनिमम 21 वर्ष रखी गई है, ठीक है। मैक्सिमम आप देख पा रहे हो आरक्षित पुरुष का 37 है, महिला का यहाँ पर 40 है, बाकी कैटेगरी वाइज जो भी आपको आरक्षण दिया जाता है सारी चीज़ें यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। ये कुछ वैकेंसी का डिटेल था। और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जरूर लगाइएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं शुल्क की, कितने फॉर्म फी रखे गए हैं। तो जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 600 रुपये रखा गया है, केवल बिहार के अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो बिहार राज्य की अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये रखा गया है, दिव्यांग के लिए भी 150 है। बाकी आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप चाहे जिस कैटेगरी के हों आप आवेदन करते हैं तो आपको जनरल में रखा जाएगा और आपसे 600 रुपये लिया जाएगा। तो इस तरह से कुछ फ्रेंड्स यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया, आप हमारे टेलीग्राम से रीड कर सकते हैं और आवेदन जरूर कीजिएगा यदि आप ग्रेजुएशन पास हैं। वैकेंसी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कोई भी बातें समझ में नहीं आती है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।